हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम में एक हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। अब वो सवाल क्या है, शायद आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो सवाल को ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसका जवाब देखते हैं, ठीक है। देखिए, सवाल ये है कि सर उधार क्या होता है और ये कैश क्या होता है, यानी आप क्रेडिट में जो चीज़ें खरीदते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो, वो क्या चीज़ है, और जो कैश में करते हैं वो क्या है, दोनों का क्या मतलब है। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, और गारंटी है कि अगर आपको उधार वाली चीज़ और कैश वाली चीज़ में डिफरेंस नहीं आता है क्लियर करना, चाहे वो बात सेल्स की हो या परचेस की, तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है मेरे पास, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। और ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल मोड में दिक्कत क्या होती है कि आप डेट चेंज नहीं होती है उसमें, आप 1 तारीख के डेट में या 2 तारीख के डेट में या 31 के डेट में काम कर पाएंगे, बाकी किसी भी डेट में आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए आपको लाइसेंस वर्जन लेना ज़रूरी है। सीखने के लिए ये बहुत बेहतरीन है एजुकेशनल वर्जन, ठीक है। अब यहाँ से एक कंपनी है आलोक क्रिएशन, ठीक है, तो ये कंपनी में हम आ गए। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम जो है एक नई कंपनी बना के चलेंगे, तो यहाँ से क्या करूँगा, F3 प्रेस करूँगा और कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पे आ जाएंगे, और यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाके और क्लिक कर देना है माउस से, या फिर आप एंटर भी कर सकते हैं, तो ये फॉर्म खुलेगा। अब इस फॉर्म को हम भर देते हैं, जैसे हम क्या देंगे, मॉर्निंग किराना स्टोर, यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, मॉर्निंग किराना स्टोर। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, एंटर करके आता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ MORNING मॉर्निंग किराना स्टोर, किराना स्टोर। तो ये हमने टाइप कर दिया कंपनी का नाम, ठीक है। अब एंटर करेंगे, कंपनी का जो एड्रेस है वो आएगा, तो एड्रेस तो हमेशा मैं अपना ही देता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया, तो ये हमने दे दिया, ठीक है। और एंटर किया, यहाँ पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश कर दिया हमने। और यहाँ पर आते हैं तो आपका लोकल एरिया का जो पिन कोड है वो आ जाता है, तो ये पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा, अगर आप शायद बाहर से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ जिप कोड होगा, ठीक है। एंटर करेंगे, ये है आपके फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट और ये है आपके काम शुरू होने की डेट, बस एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो यहाँ पे हम इस वीडियो में GST पर फोकस नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये उधार क्या होता है, यानी क्रेडिट क्या होता है और कैश क्या होता है। तो इसीलिए हम इसे कंट्रोल ए करके पूरा एक ही बार में एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो देखिए ऊपर एक कंपनी बन गई है, मॉर्निंग किराना स्टोर, ठीक है। आप चाहे तो इसमें GST भी इनेबल कर सकते हैं। GST इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको F11 करके आना होगा और यहाँ से यस करना होगा, इस ऑप्शन को आप यस करिएगा, और यस करने के बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है GSTIN, तो जो भी GSTIN हो वो दे दीजिएगा, क्वार्टरली है या मंथली है, तो फिलहाल हमारा मंथली है आपका, अगर क्वार्टरली फाइल करते हो GST तो क्वार्टरली दे दीजिएगा। और यहाँ पर इसको यस करना है और टैक्सेबल रखना है, और यहाँ 18% 21% जो भी यहाँ पे हो वो यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम बाई डिफॉल्ट 21% लगा देते हैं, ठीक है। एंटर किया और एंटर करते हुए इसको पूरे को एक्सेप्ट करा लीजिएगा, लास्ट तक आपको एक्सेप्ट कराना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ TDS नहीं चालू करना है फिलहाल हमें, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पेरोल भी नहीं चालू करना है, पेरोल को भी ऑफ रखना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया, हमारी कंपनी बन गई है। कंपनी में कुछ फंड भी रिसीव करा दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिलहाल हम आते हैं सीधा कहाँ पर, परचेज में आते हैं, ठीक है। F9 प्रेस करके आपको आना है परचेज वाउचर में, और यहाँ पर देना है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जो भी आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर हो वो दे दीजिएगा, और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर परचेजिंग हो रही है, यानी 1/4/2000 जो भी डेट हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं 1/8/2024, ठीक है, ये कर दिया हमने 8/2024, तो ये हो गया। अब एंटर कर दीजिएगा तो ये देखिए ये कह रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए 23/24 है, तो हम यहाँ पे 4/2024 से लेकर 31/3/2025 कर देंगे, 31/3/2025, तो ये हो जाएगा। और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, और यहाँ पर भी डेट आप चेंज कर सकते हैं, 1/4/2024 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। F2 करके करना है आपको 1/4/2024, ठीक है, तो ये हो गया, अब ये डेट चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं उधार वाली, पहले कौन सी बात करेंगे, उधार वाली, ठीक है। ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा,
जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी लेजर क्रिएशन वाली। अब मान लीजिए कि एक हमारी पार्टी है जिसका कि नाम क्या है, राजेश सप्लायर, SUPPLIER, राजेश सप्लायर लिख दिया हमने। और ये सप्लायर है तो ये ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप देखिए प्रैक्टिस करने से ग्रुप आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ कॉपी पे लिख के ग्रुप याद कर लें तो नहीं, प्रैक्टिस खूब करिए तो उससे जल्दी ग्रुप आपको याद हो जाएगा। एस प्रेस करते हैं, इसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर पार्टी का ग्रुप हमेशा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर बनेगा परचेज का लेजर। तो या तो आप अल्ट सी प्रेस कर लीजिए और नहीं तो ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन दिया गया है ऊपर, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया, यहाँ पर आए और यहाँ पर अब परचेज का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे परचेज लिख दिया हमने, ये हो गया परचेज, अकाउंट कर देते हैं A/C, ये हो गया। अब ये ग्रुप क्या जाएगा, परचेज अकाउंट जाएगा, ये परचेज अकाउंट हो गया। एंटर करके, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम का नेम आएगा, तो यहां पर पार्टी का नेम आना इस बात का सबूत है कि परचेजिंग किसकी हो रही है, उधार की हो रही है। अगर यहां कैश आता, जैसे मान लीजिए यहां पर हम कैश कर देते, ये देखिए ये कैश होता तो ये परचेजिंग जो है किसकी होती, तो ये परचेजिंग हो जाती कैश वाली। ठीक है, यानी पैसा दे के परचेज किया जा रहा है, लेकिन यहां पर ये परचेजिंग कौन सी होगी, उधार वाली, क्योंकि नाम आ गया पार्टी का, तो इसीलिए उधार, यानी हम सामान जरूर ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब अल्ट सी करके हम कोई जो भी स्टॉक आइटम है उसको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं MUSTER ED मस्टर्ड ऑयल, OIL, तो ये लिख दिया, एंटर किया, एंटर किया। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल बिकेगा तो किसमें बिकेगा, मस्टर्ड ऑयल बिकेगा तो ये ML कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिली लीटर कर देते हैं, लीटर। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आएंगे तो M प्रेस करेंगे तो देखिए मिली लीटर आ रहा है, ये तो मिली लीटर कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये मिली लीटर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हटा करके यहाँ 3 रख देना है और एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर चाहे तो स्टैंडर्ड रेट भी आप सेट कर सकते हो, तो यस करोगे तो स्टैंडर्ड रेट यानी परचेज की क्या रेट रहेगी और सेल की क्या रेट रहेगी, वो दोनों सेट कर सकते हैं। जैसे परचेज की रेट रहेगी 140 रुपये लीटर, सेल करेंगे तो उससे ज्यादा का ही करेंगे तो 160 हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अलग से GST देना चाहें तो यहाँ से अलग से GST दे सकते हैं, यस करके। फिलहाल हम अलग से GST नहीं देने जा रहे हैं। और MRP लगाना चाहते हो तो MRP भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से MRP लगाएंगे तो इसको यस करेंगे और यस करके तब आप यहाँ से MRP लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस करेंगे, इसको भी हम यस कर देते हैं और यहाँ पे MRP दे देते हैं 180 रुपये। ठीक है, ये MRP है। ठीक है ना, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब कितनी क्वांटिटी परचेज करी जा रही है, तो 50 मिलीलीटर। अब देखिए ये 50 मिलीलीटर आ गया, यहाँ पे हमें किलो लीटर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर गलती हो गई तो आप क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाते समय गलती हो गई तो आप यहाँ से बाहर आएंगे स्केप बटन प्रेस करके और यहाँ पर अल्टर पे चलेंगे, और अल्टर पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेजर, लेकिन हमें जाना है स्टॉक आइटम पर। तो ये स्टॉक आइटम पे आए, मस्टर्ड ऑयल पे आए, और यहाँ किलो लीटर की जगह हम क्रिएट कर देते हैं क्या, सॉरी मिलीलीटर की जगह क्या क्रिएट कर देते हैं, किलो लीटर। तो यहाँ क्रिएट पे जाके किलो लीटर कर देते हैं, KL कर देते हैं, और यहाँ पे फॉर्मल नेम किलो लीटर LITRE, ये हो गया। और यहाँ पे आएंगे K प्रेस करेंगे और यहाँ पे किलो लीटर आ जाएगा, तो ये हो गया किलो लीटर। और यहाँ पे 3 रख देते हैं, एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं और यहाँ पर यस कर देते हैं और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं। ठीक है, यहाँ पे ML हटा देंगे, यहाँ पे KL आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से भी ML हट जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, KL आ जाएगा, हो गया। अब बस यहाँ से आप आगे बढ़िएगा, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करा लिया, अब ये हमारा मस्टर्ड ऑयल बन गया। अब हम इसी पर देखेंगे, अब परचेज पे चलते हैं। अब सप्लायर द्वारा जो बिल मिला उस पर सप्लायर इनवॉइस नंबर जो दिया है वो एंटर कर दीजिए। यहाँ पे राजेश सप्लायर जो पार्टी हमने बनाई थी वो हमने एंटर कर दिया, एंटर करके नीचे आए, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ये मस्टर्ड ऑयल आएगा, तो ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर देखिएगा ये भी किलो लीटर हो जाएगा, तो KL कर दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए 50 लीटर की बात हो रही है, तो 1 लीटर की प्राइस अपने आप आ गई। अब नीचे आपको GST लगाना है तो अल्ट सी करके पहले CGST बना लीजिए। ठीक है, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिएगा, GST कर दीजिएगा, सेंट्रल टैक्स कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए CGST आ गया, फिर अल्ट सी कीजिएगा, SGST कर देते हैं।
तो ये एंटर किया, एंटर किया और यहाँ पे क्या करेंगे, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा, और यहाँ पर जो है स्टेट टैक्स रहेगा, और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, तो 735 735 देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। एंटर करके फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पे क्या लिखना है, द गुड्स हैव बीन परचेज, परचेज किया जा रहा है, तो ये ऑन क्रेडिट और उधार में हो रहा है। अब ये उधार में हुआ तो आखिरकार कैसे पता कि उधार में हुआ, क्योंकि नाम आ गया, पार्टी का क्या हुआ, नाम आ गया। अब आप जब इसका बिल देखेंगे ना, यहाँ से बाहर आते हैं, इसके बटन प्रेस करके दो बार डी प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, और अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं और एंटर कर देते हैं और आई बटन प्रेस कर देते हैं। तो जब आप इसका बिल देखेंगे तो देखिए बिल कुछ इस तरीके का दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पर, ये मॉर्निंग किराना स्टोर हमारा नाम है और सप्लायर बिल, सप्लायर यहाँ लिखा रहेगा, सप्लायर यहाँ लिखा रहेगा। जब भी परचेज वाली एंट्री रहेगी ना तो यहाँ पे सप्लायर लिखा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सप्लायर का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए राजेश सप्लायर है ना, तो ये आ जाएगा। अब बाहर आते हैं यहाँ से और चलते हैं कहाँ, सेल्स में, सेल्स में भी क्लियर कर लिया जाए कि ये कैसे करना है। तो सेल्स में जब जाएंगे ना तो F8 प्रेस करके जाना होगा और यहाँ पर इस बार आएगा डेटर पार्टी का नाम, वहां पर क्रेडिटर आ रहा था, यहाँ पे डेटर, तो क्रिएट पे चल के बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दुर्गेश, ठीक है, अब ये दुर्गेश हमारी डेटर पार्टी है, पहचान के लिए मैं यहाँ पे डी भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो इसका ग्रुप क्या जाएगा, सन्ड्री डेटर ग्रुप जाएगा, तो ये सन्ड्री डेटर ग्रुप रख लिया हमने यहाँ पे, यहाँ से आपको सन्ड्री डेटर ही चूज करना है, तो ये सन्ड्री डेटर चूज करके एंटर करके आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे स्टेट देख लीजिएगा, सेम है या डिफरेंट है, तो आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सप्लायर पार्टी नहीं है, ये हमारी लोकल पार्टी है, ये हमारी जो है ग्राहक पार्टी है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रहे, ये कोई भी GSTIN नहीं भरेंगे, कोई चीज इनका आएगा नहीं इसमें, ठीक है। एंटर करके बस इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा आप, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सेल्स का लेजर, तो यहाँ पे सेल्स कर देते हैं, अकाउंट आगे लगा देते हैं, तो ये हो गया सेल्स अकाउंट, और एंटर करके यहाँ पे एस प्रेस कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट आने के बाद अब यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल, आगे बढ़िएगा ऐसे करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है। तो ये आ गया, अब सेल्स अकाउंट का लेजर बन गया। हमारे पास एक ही स्टॉक आइटम है, कौन सा है जरा देखिए, मस्टर्ड ऑयल कितना है वो भी दिख रहा है, 50 किलोलीटर है। तो यहाँ पे अब देखिए जैसे किया एमआरपी मार्जिनल आ गया, और यहाँ पर इसको केएल बना लेंगे, यानी किलो लीटर, ये हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 लीटर सेल किया जा रहा है, देखिए जैसे ही हम एंटर करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो देखिए ये आ गया प्राइस। अब यहाँ पर एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर आए, अब CGST अपने आप आएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने परचेज में लगा दिया तो सेल्स में भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे SGST, तो एस यहाँ पे प्रेस कीजिए और ये SGST आ गया, तो यानी दोनों ही आ गया। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस करके आगे बढ़िए और यहाँ पे आप डाल सकते हैं नरेशन, ठीक है। तो द गुड्स हैव बीन, द गुड्स इसमें भी वही लिखिए, हैव बीन, इसमें सोल्ड कर दीजिएगा, बेचा गया, सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में बेचा गया। अब ये कैसे पता कि उधार में ही बेचा गया या उधार में ही खरीदा गया, तो जब भी आएंगे ना आप देखिए इसका बिल देखिएगा, दो बार डी प्रेस कीजिए और इसका बिल देख लीजिए, आप अल्ट पी कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, आई बटन प्रेस कर लीजिए और देखिए इसका बिल, इसका बिल जब आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए यहां पर बायर लिखा है और नीचे वहां पर क्या था, वहां पर सप्लायर था, ठीक है। तो ये पहचान है कि ये बिल जो है सप्लायर वाला है या कौन सा बिल है, ये परचेज वाला बिल है या सेल्स वाला बिल है, इससे आप ये पहचान आसानी से कर सकते हैं। उधारी वाली बात जो थी वो क्या हुई, तो यहां पर उधारी वाली बात का मतलब ये है कि हमने परचेज भी उधार में ही किया है। तो जब भी आप पेमेंट के लिए जाएंगे, भाई परचेज किया है तो आज नहीं तो कल हमें पेमेंट देना ही देना है, ऐसा थोड़ी ना है कि फ्री में वो दे देगा हमें, सप्लायर भी कहीं से लाता होगा या बनाता होगा तो उसका पैसा खर्च आता होगा ना, तो वो भी तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो वो फ्री में नहीं देगा, आज नहीं तो कल तो पैसा देना ही पड़ेगा हमें। तो वी बटन प्रेस करके पेमेंट में चलते हैं, परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, याद रखिएगा। तो पेमेंट के लिए F5 प्रेस किया, एंटर किया, यहां पे जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे सप्लायर का लेजर आ रहा है, ये देखिए राजेश सप्लायर है ना, तो यहां पर आप राजेश सप्लायर का लेजर इंसर्ट कीजिए, 8,470 रुपए यहां दिखा रहा है ना, नीचे देखिएगा जरा, यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, 8,470 रुपए सप्लायर पार्टी का लेजर है, ये कितना बकाया है, 8,470 रुपए। तो पेमेंट आपको करना होगा, तो मान लीजिए कि 8,000 अगर आप दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा 8,000 दिया, अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा, मान लीजिए कैश में ही दे दिया तो यहाँ पे कैश कर देंगे, ये कैश आएगा, तो देखिए ये आ गया। हमारे पास कैश है नहीं जिसकी वजह से यहाँ पे ये रेड में शो कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसको मैं अगर एक्सेप्ट करा लेता हूं, यहाँ पे नरेशन फिलहाल नहीं डाल रहा,
तो इनका ऊपर देखिए कितना बकाया बच रहा है एक्सेप्ट कराने पे, 470 रुपए ही बच रहा है अब, क्योंकि 8000 तो दे ही दिया तो 470 रुपया बचा। अब यही काम सेल्स वाला जो किया था हमने, तो उसमें पैसा रिसीव करना है, तो यहां पर आएंगे और यहां पर आकर के किसका लेजर इंसर्ट होगा रिसिप्ट वाउचर में, ये दुर्गेश जो हमारी डेटर पार्टी है उसका। तो देखिए इनका 387 रुपए 20 पैसे बकाया है, तो अगर मैं यहाँ पे 387 अगर ये दे देते हैं कैश में, देखिए ये कैश में दे रहे हैं, यहाँ पे कैश का लेजर इंसर्ट करता हूं, तो कितना पैसा बकाया रहेगा? ये तो नीचे जो आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपके पास कैश नेगेटिव में है, ठीक है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे ये 387 रुपए दे रहे हैं तो अब इनके ऊपर केवल 20 पैसे बकाया रह जाएगा, देखिए ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये काम हो जाएगा। और जब आप कैश में परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं परचेज की ही बात कर लूँ, यहाँ से वी बटन प्रेस करके हम आते हैं परचेज वाउचर में, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप कैश कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया और यहाँ पे सीधा कैश आ गया, यहाँ पे कैश आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है तो हम जो है यहाँ पे 20 लीटर और मंगा लेते हैं, ठीक है, तो अमाउंट बढ़ जाना चाहिए इसके हिसाब से। यहाँ पे केएल कर देते हैं, एंटर किया, मान लीजिए कि 50 लीटर मंगा लिया हमने, 50 लीटर परचेस कर लिया और इसी के भाव से परचेस किया, और बाकी यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो आना है वो आ ही जाएगा, तो ये हो गया सीजीएसटी एसजीएसटी, और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल मिला के 8470 रुपए आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो कैश में हो रहा है तो ये कहीं भी मेंशन नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये दे दिया गया पैसा, इसमें अभी आपको पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से आपको करना है, याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज सेल्स में भी होगी, ठीक है, सेल्स में जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। जैसे पार्टी अकाउंट नेम में आप कैश कर देंगे तो वहां पर आपको पैसा रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है कैश और ये होता है क्रेडिट, ठीक है। चलिए।